प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा उस्ताद। और ये देखें कि आज मैं आपके लिए एक नया आर्टिकल लेकर आया हूं, जो अगर हमें आ जाएगा तो हमें मैथ की जो है मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे और ये मैथ कभी भी हमारे लिए मुश्किल नहीं बनने वाला। मैथ जब भी गलत कोई क्वेश्चन है गलत होता है तो हमेशा प्लस माइनस की गलती की वजह से जो है वो होता है। आज देखिए लामतों का इस्तेमाल सीखेंगे। लामतों का ये देखें, ठीक है, विद लाइक साइन है, ये जैसे यहाँ प्लस नाइन है प्लस टू है, तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगा ये बताया जाएगा। ये देखें यहाँ प्लस नाइन लिखा है, मैंने वैसे ऐसे ही उतारा, तो जबकि यहाँ देखने से पता चलता है एक प्लस ये है और दूसरा प्लस ये दो प्लस इकट्ठे आ गए। यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं आप लोगों के लिए कि जो आपको बताएंगे कि मैंने इनको सॉल्व कैसे करना है। एक से ज़्यादा इलामते आ गए हैं, एक से ज़्यादा इलामतों को किस तरह हल किया जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस और प्लस, ये मतलब मैंने इसका लिखा है कि अगर प्लस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये देखिए एक प्लस बाहर है दूसरा ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 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 होगा, ये अक्सर बोला भी जाता है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या मतलब, उन प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये अगर प्लस और ये प्लस तीर के निशान से मैंने लिखा तो इसका जवाब पहले लिखे, इन दो प्लस का मतलब क्या होगा कि एक प्लस में आ जाना है प्लस टू। अब आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका, प्लस नाइन है और प्लस टू है, हमें इसका मतलब आता है कि दोनों को हमने प्लस कर लिया। ये देखिए प्लस इलेवन लिखूंगा, नाइन प्लस टू प्लस इलेवन, इसका आंसर आ जाएगा। याद रहे मेरी बात, ये याद रखिएगा प्लस और प्लस ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में रूल्स देख लें, मैं रूल्स क्या लिखा, प्लस और प्लस क्या साइन देने वाला मुझे, और इसके अलावा माइनस माइनस क्या साइन देने वाला है, ये चार रूल्स मैंने लिखे हुए, इन्हीं से प्लस माइनस के क्वेश्चन होंगे, जरब के भी मल्टीप्लीकेशन के भी इसी के साथ होंगे, वो आगे चल के मैं आपके लिए सीरीज में बताऊंगा। अभी फिर वक्त ये देखें, ये प्लस इलेवन आ गया, अब देख लें दो साइन है और दोनों के साथ ही माइनस की इलामत है। माइनस की इलामत करने के लिए ये देखें, पहली इलामत ने तो वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस फोर आ जाएगा, ये देखें माइनस फोर है। अब देखें प्लस और माइनस ये सॉल्व करें, देखें मैं हमेशा आपको तीन के निशान से समझाता हूँ, दो इलामते हैं दोनों को कैसे करूँगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, ये देखें ये रूल लिखा हुआ है बाहर प्लस अंदर माइनस, तो इसका आंसर क्या आना है हमारे पास, माइनस की इलामत आएगी, ये माइनस की इलामत मैंने यहाँ लिखी है, सिक्स आ गया। अब दो आपके पास इनसे है और दोनों के साथ माइनस की इलामत है, ये माइनस से टेन आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना जरूरी समझूंगा, ये देखें जरा सामने क्या है कि अगर प्लस मैं अक्सर अपने जो मेरे छोटे किड्स हैं मेरे छोटे तालबिलम हैं उन्हें मैं अक्सर बताया करता हूँ कि ये देखें कि प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब है यानी प्लस का मतलब मेरे पास मौजूद है, प्लस का मतलब मेरे पास मौजूद है और माइनस का मतलब मैंने देना है। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं यही एग्जाम्पल जेब में रखूँ कि प्लस का मतलब मेरे पास है और माइनस का मतलब मैंने देने, तो देखें ये किस तरह होगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लस नाइन यानी प्लस नाइन नाइन रुपीज मेरे पास है और इसी तरह प्लस टू यानी ये भी टू जो है मेरे पास है, तो अब टोटल मेरे पास कितने हो गए, ये देखें इलेवन हो गया और इसके साथ मैंने प्लस की इलेवन लिखी यानी ये मेरे पास मौजूद है। इसी तरह ये देखें माइनस का मतलब यहाँ से मैं समझ चुका, ये देखें माइनस फोर है और माइनस सिक्स है, ये माइनस टेन कैसे, तो वही मिसाल मैंने दी है आपको कि माइनस फोर का मतलब मैंने देने और इसे माइनस सिक्स का मतलब ये भी मैंने देने, भाई टोटल कितने देने हैं मैंने, टेन देने, टोटल मैंने कितने देने हैं टेन देने, इसीलिए इसके साथ फिर माइनस आएंगे यानी माइनस फोर और माइनस सिक्स आपका आंसर जो आ जाएगा ये माइनस टेन आ जाएगा, माइनस टेन। एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये देखें अनलाइक साइन है, एक के साथ माइनस आ गया दूसरे के साथ अंदर प्लस आ गया, करना वैसे ही है जो मैं पहले रूल आपको बता चुका हूँ कि पहले इसी के साथ जो इलामत है वो तो एज इट ही नीचे आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको करके आपको चेक कराता हूँ, माइनस सेवन है, अब इनका फैसला करेंगे देखें और रूल
रूल्स की तरफ जाए, रूल्स की तरफ जाए, प्लस है ये बाय, ये बाय प्लस है, अंदर भी प्लस है, ये बाय प्लस है, अंदर भी प्लस, इसका आंसर क्या होने वाला है, प्लस ना। तो ये देखें यहाँ प्लस सिक्स निकलूंगा। आप मुझे वही एग्जाम्पल से करके बताइए ना। हाँ जी, कौन क्या करना हमने, माइनस सेवन का मतलब क्या है, मैंने देने, प्लस सिक्स का मतलब है मेरे पास में जो, मेरे पास कितने सिक्स, और मेरे मैंने देने कितने सेवन, तो इसका आंसर फिर क्या आ जाए। आगे अगर किसी ने मुझे कहा है कि भाई मेरे पैसे मुझे दे, मैंने देने कितने थे माइनस सेवन, मेरे पास कितने थे सिक्स, मैंने सिक्स निकाल के उसको दे दिए, ये समझे दे दिए, अगर मैंने दे दिए तो बाकी और कितने की डिमांड करेगा जी, कितने की। हाँ जी, आपने ठीक से बता दिया, एक की और डिमांड करेगा, एक के साथ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये एक मैंने देना है अभी। ये देखिए इसका मतलब ये भी मैं ले सकता हूँ, माइनस से सेवन मैंने देने, प्लस सिक्स यानी मेरे पास मौजूद है, मैंने अपने से मौजूद जो थे वो दे कर भी और कितने देने हैं, एक और इसके साथ माइनस लगाने। रूल्स आप देखिए, मैं अब रूल्स को बोलने लगा एग्जाम्पल के बाद। रूल्स ये है कि जमा तफरीक करते हुए क्या, मुझे ये बताइए प्यारे दोस्तों, ये बताएं जमा तफरीक करते हुए क्या मैं सिक्स में से सेवन निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना, सिक्स जो है वो बड़ा है सेवन छोड़ो, सिक्स बड़ा या सेवन नहीं जी। हाँ जी, क्या जी अभी समझ नहीं आई मुझे, हाँ सेवन बड़ा है सिक्स नहीं बड़ा, सिक्स अगर छोटा है तो सिक्स से सेवन तो निकाल नहीं सकता मैं, फिर सेवन से सिक्स निकाल देता हूँ ना, प्लस माइनस में सेवन से सिक्स निकालेंगे ये, लेकिन ये मैं उस वक्त करना है जब इनाम तय मुख्तलिफ हों दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर मैं ये करता हूँ बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकाल देता हूँ। रूल्स क्या है, बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकाल देता हूँ। रूल्स के मुताबिक जब मैंने सेवन से सिक्स निकाला तो एक आया, तो इसके साथ मैं वो इनामत लिखूंगा जो बड़े हिस्से की है, बड़े हिस्से की प्लस माइनस करते हुए, प्लस माइनस जब कर लेते हैं उसका आंसर लिख लेते हैं, तो इनामत के लिए मैं उसको देखूंगा जो हिस्सा भरा होगा, हिस्सा सेवन अगर भरा है तो सेवन के साथ मैं देख सकता हूँ इनामत माइनस की है तो माइनस वन आंसर आया, ये रूल। प्लस मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्या रहे दोस्तों, प्लस और माइनस करते हुए हमेशा जो इनामत आएगी, जो साइन आएगा वो बड़े हिस्से का है, वो बड़े हिस्से का है। लेकिन जी आगे देख लें, दोनों माइनस हैं, बल्कि सारी इनामत ही माइनस की हैं, लेकिन करना मैंने वही है जो मैंने ये यहाँ रूल्स भी बता दिए किस तरह करेंगे और कैसे है। माइनस सेवन है, माइनस सेवन पहले, ये माइनस सेवन तो वैसे ही आ जाना, मैंने ये बताया था पहला हिस्सा वैसे ही आप उतार लेंगे, दूसरे हिस्से के लिए ये माइनस है ये माइनस है, तो देखिए जरा रूल्स की तरफ चले आप। रूल्स क्या कहते हैं, बाहर माइनस हो अंदर माइनस हो तो ये क्या आ जाना, प्लस हो जाना, तो इन दोनों का मैं आंसर लिखूंगा प्लस नाइन लिख दूंगा, प्लस नाइन। अब वही एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस में अब मैं क्या करूँ, प्लस माइनस में। हाँ जी, जवाब बताने वाले मुझे कौन, आवाज नहीं आई मुझे, आगे हैं आप, आपको क्वेश्चन जी आगे है ना क्वेश्चन, ये देखें जी, हाँ बिल्कुल शाबाश वेल डन जी, ये अब प्लस माइनस है, बड़े हिस्से से छोटे हिस्सा निकाल दे तो नाइन में से सेवन जा रहे हैं, ये टू आंसर आ गया। अब चेक करें नाइन के साथ कौन सी आपका साइन है, नाइन के साथ साइन देखिए कौन सा है, तो उसके साथ प्लस का है, तो यहाँ प्लस टू आ गया। प्यारे दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी मुकम्मल तौर पे समझ आई होगी, ये रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए जब भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रूल्स ज़्यादा नहीं है सिर्फ फोर है, रूल्स को फॉलो करें, मल्टीप्लाई के तो क्वेश्चन होंगे ही इससे, मल्टीप्लाई के होंगे ही इससे, मैं इसी के अंदर जो है एक और वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको जरूरत के लिए भी जो है वो समझ आए। जिस तरह मैंने प्लस माइनस के रूल्स बताया, ये देखिए मल्टीप्लाई के क्वेश्चन भी उसी तरह सॉल्व होंगे प्यारे दोस्तों, और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही रूल्स ये जो सामने मैंने दिखाए हैं, और अपने इस वीडियो में ये देखें कि मैंने वो हिस्से वही रखे हैं जो मैं प्लस माइनस के लिए
जो मैंने रखे थे वही हिस्से जो है वो अब मैं दोबारा से शुरू करूँगा, वही लिखूँगा। इसके लिए शुरू करने से पहले मल्टीप्लाई के लिए ये देख ले, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, कुछ मैंने आपके लिए रख दिए। ये देखें प्लस 9 है, मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 से, तो क्या लिखेंगे? ये प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये पहले फैसला कर ले दो इलामतों का कि दो इलामतों का प्लस प्लस को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या आने वाला प्लस? ये देख लें आपने इन दो प्लस और प्लस को आपने किस तरह रखा है, प्लस और प्लस को दोनों प्लस का पहले साइन का फैसला कर लिया, साइन का फैसला पहले कर दिया आपने कि साइन क्या होंगे, साइन का फैसला होने के बाद अंदर इनसे लिख लें उनको आपस में जरूर दे दें। ये देख लें दोनों साइन का दोबारा, और ये देखिए आपको फिंगर के साथ बता रहा हूँ ये प्लस और प्लस दो प्लस है, इनका फैसला क्या हुआ, ये रूल्स में क्या कहा है, प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, ये मैंने भी इनको प्लस और प्लस प्लस लिखा है और अंदर अलहदा से ब्रैकेट में इनसे लिख दिए ताकि मुझे जरूर देने में आसानी हो। तो ये प्लस आ गया, 9 to 18 आ गया, ये आपका आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है माइनस है और ये माइनस है, ये देखिए दूसरा रूल चल रहा है, माइनस और माइनस क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। ये देखें बाहर मैंने प्लस लिखा है, अंदर 4 और 6 लिखा है, प्लस आ गया और 4 6 6 24। ये देखेंगे इधर मैंने अभी इलामते नहीं डाली, मैंने सॉल्व ही नहीं किया कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। ये देखें यहाँ यहाँ ये तो मल्टीप्लाई के लिए पहले इन इलामतों का फैसला करें, प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, क्योंकि ये चौथा रूल लगा हमारे, इसके इसका फैसला अगर मैं करूँ तो क्या आ जाना माइनस, तो यहाँ माइनस लिखूंगा, ये ब्रैकेट डाल दिए मैंने और यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, -7 6 42 है, ये आपका आंसर आ गया। माइनस और माइनस है जिसको जरूर देना हमने, फिर वही बात माइनस और माइनस क्या होने वाला है प्लस, यहाँ मैं सबसे पहले प्लस डाल देता हूँ, इलामत का फैसला मुझे पहले ही करना होगा ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। मैथमेटिक्स में ये जो याद रखें, ये जो प्लस और माइनस है इन्हीं का फैसला करने से जो है आपका क्वेश्चन दुरुस्त होगा। अपने जेहन में ये बिठा लें कि अच्छे तरीके से इन इलामतों का ये रूल्स सीख लेने में, अगर मुझे ये रूल्स आ गए तो आगे मैथ मेरे लिए मसला नहीं होगा। ये देख लें माइनस माइनस प्लस लगाए, यहाँ ब्रैकेट लगाई और ये मल्टीप्लाई की है, प्लस आ गया 7 9 7 63 होते हैं, ये आपका आंसर। ये आपका आंसर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप ये ज़रूरी है कि आप अगर आपको समझ आ गई है मेरी तो इसको सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ जो है वो भी आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए LCM और MCM के भी स्मार्ट रूल लेके आऊँगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ वो जैसे हमारे MCQs आ जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए LCM और MCM आपको बड़ा जो है LCM और HCF आपको स्मार्ट मेथड से मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो सीरीज भी मेरी आ रही है, उम्मीद है आपको समझ आ